Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Question number one. The word atom originate from the Greek word atomos, which means iska matlab kya hai, iska mana kya hai? Atomos ka mana kya hai? Atomos ka mana hai invisible, theek hai? Invisible. The correct answer is B, invisible, theek hai? Atomos ka mana kya hai? Invisible. Question number two. Atom is made of smaller particle called choti choti zarra se bana hai ye atom. इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं एटॉमिक पार्टिकल, सब पार्टिकल या सब एटॉमिक पार्टिकल. तो इसे कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल, ठीक है? सब एटॉमिक पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर थ्री. द सब एटॉमिक पार्टिकल आर, सब एटॉमिक पार्टिकल कौन कौन से हैं? तो ये है प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन. प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं है. पी से शुरू होता है तो पॉजिटिव चार्ज, ठीक है? इसे याद करें, पी से शुरू हुआ तो प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन तो ये ऑलरेडी नेगेटिव हो गया, ठीक है? और न्यूट्रॉन इसमें कोई नहीं, न्यूट्रल है, ठीक है? नोटल, न्यूट्रल, ठीक है? इस पर कोई चार्ज नहीं है. ये एक ट्रिक्स हैं, ठीक है? इस तरह याद कर सकते हैं आप. क्वेश्चन नंबर फोर. एक्सपेरिमेंट शोज दैट आर हैवियर पार्टिकल. तो हैवियर पार्टिकल कौन कौन से हैं? ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ठीक है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है? ये हैवियर पार्टिकल है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. क्वेश्चन नंबर फाइव. द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन टुगेदर एंड मेक द सेंटर कोर ऑफ द एटम इज कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं? इसे न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन टुगेदर मेक, ओके, द सेंटर कोर ऑफ द एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस, ठीक है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ओके, ये क्या बनाता है? ये न्यूक्लियस बनाता है. क्वेश्चन नंबर सिक्स. आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, ठीक है? कौन चक्कर लगाता है? तो ये इलेक्ट्रॉन लगाता है, ठीक है? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है. क्वेश्चन नंबर सेवन. The electron are always in constant motion and revolve around the nucleus, which is called. इसे क्या कहते हैं? तो इसे शेल भी कहते हैं और ऑर्बिट भी कहते हैं, ठीक है? इस मदार को शेल भी कहते हैं और ऑर्बिट भी कहते हैं. क्वेश्चन नंबर एट. इलेक्ट्रॉन कैरीज अ चार्ज. इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज है? तो ये निगेटिव है, ठीक है? इलेक्ट्रॉन, ठीक है? प्रोटॉन पर पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव, और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं है. प्रोटॉन हैज अ चार्ज, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है? प्रोटॉन पी से शुरू होता है, पॉजिटिव भी पी से शुरू होता है, ठीक है? तो प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पर न्यूट्रल, न्यूट्रल याद रखिए, ठीक है? ऐसे एक ट्रिक है, ठीक है? न्यूट्रल, नोटल, न्यूट्रल, इस पर कोई चार्ज नहीं है. क्वेश्चन नंबर टेन. न्यूट्रॉन हैज चार्ज, नो चार्ज, ओके. न्यूट्रॉन नोटल, ठीक है? न्यूट्रॉन ये नोटल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर इलेवन. एटम इज अ होल इज ए पार्टिकल. एटम इज एज अ होल अ न्यूट्रल पार्टिकल, ओके. न्यूट्रल पार्टिकल, एटम पर मजमू तौर पर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है? क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व. द नंबर ऑफ प्रोटॉन आर इक्वल टू द नंबर ऑफ विच इलेक्ट्रॉन, ठीक है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन आर इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद ये बराबर है. क्वेश्चन नंबर थर्टीन. द नंबर ऑफ प्रोटॉन आर इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम इज कॉल्ड, हम इसे क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर, ठीक है? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक, एटॉमिक नंबर कहते हैं. द एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाई जेड, ठीक है? एटॉमिक नंबर हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? जेड, जेड से, ठीक है? एटॉमिक नंबर, ठीक है? द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड, इसे क्या कहते हैं? मास नंबर कहते हैं, ठीक है? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन याद रखिए, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन उसे क्या कहते हैं? मास नंबर कहते हैं, ठीक है? मास नंबर, मास नंबर, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है? प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस,
क्वेश्चन नंबर 16, मास नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए, ठीक है, मास नंबर ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, मास नंबर हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और एटॉमिक नंबर हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। मास नंबर ए से रिप्रेजेंट करते हैं और एटॉमिक नंबर जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, कार्बन हैज 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन इन इट्स न्यूक्लियस, इट्स मास नंबर इज, तो ये 12 होंगे, ठीक है, 6 + 6 12, ओके। क्वेश्चन नंबर 18, सिमल्टेनियसली द इलेक्ट्रॉनिक शेल आर रिप्रेजेंटेड बाय, तो ये कैसे भी रिप्रेजेंट होता है, एल से भी और एम से भी, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 19, द एम शेल इज ऑन नंबर, एम शेल में कितने नंबर होते हैं, तो ये 3 होते हैं, ठीक है, 3, ठीक है, 3 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन शेल अकॉर्डिंग टू द जनरल फार्मूला ऑफ 2N2, ठीक है, इस फार्मूले के तहत तकसीम होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, N2N2 in N इज द नंबर ऑफ फिट, तो ये शेल है, ठीक है, शेल। क्वेश्चन नंबर 22, L शेल हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसमें 8 होते हैं, ठीक है, 8। क्वेश्चन नंबर 23, द एम शेल हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसमें 18 होते हैं, ठीक है, एल में 8 और एम शेल में कितने होते हैं, 18 होते हैं, ठीक है। सोडियम इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल, तो Na, ठीक है, सोडियम हम Na से, ठीक है, रिप्रेजेंट कर सकते हैं।